हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरजेएस बायोलॉजी में। और हम जो है अपने वीडियोस के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे थे, तो इस डिस्कस को हम जारी रखते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, तो दबा दीजिए। फिर इसके बाद में हम पे अपने इस डिस्कस को जारी रखते। तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में अभी देखा कि ह्यूमन जो है हायर ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये भी देखा कि मेल और फीमेल यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, तो मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होंगे, दो ऑर्गेनिज्म होंगे। अब अगर मैं मेल की बात करूँ तो मेल के अंदर अगर मैं देखूँ तो मेल रिप्रोडक्टिव यानी कोई ऐसा जेनेटिया विकसित होगा तो इसको हम कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंतर्गत जो मेल के जेनेटिया जननांग या गोनेट्स जब डेवलप होंगे और उनके अंदर जो गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, तो मैंने आपको कहा कि गेमेटोजेनेसिस होना चाहिए तभी हम इसको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ गेमेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म बनेंगे, तो यहाँ बनेंगे स्पर्म मियोसिस के द्वारा। और फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा जिसमें गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा ओव्यूम बनेगा। तो यहाँ तक का डिस्कस जो हमने कर लिया, अब हम जो है एक एक के बारे में जो डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो रहेगा वो रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, इसके अंदर कौन कौन से जो है संरचनाएं पाई जाती है, कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो याद आ गया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी जो ऑर्गन्स आने वाले हैं, जो जननांग आने वाले हैं, सेक्स ऑर्गन्स जो आएंगे, हम उनको दो पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटेंगे, दो में। अब देखो जो फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वो रहेगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंड पार्ट रहेगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब इन दोनों के अंदर क्या फर्क है, तो यहां प्राइमरी और सेकेंडरी जो है इसमें अंतर देखने के लिए आपको ये याद रखना है कि हम उन्हीं सेक्स ऑर्गन्स को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे जो दो काम करेंगे। वो दो काम कौन कौन से होंगे, पहला जो काम होगा इसका यानी दो कार्य करने चाहिए तब हम उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। पहला तो होगा गेमेट ऑफ द सेक्स यानी उस सेक्स का गेमेट बनाना चाहिए, और दूसरा जो कार्य होगा वो होगा हार्मोन का स्राव, और वो हार्मोन जो है वो सेकेंडरी कैरेक्टर, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो डेवलप करेगा। तो हम उसी ऑर्गन को जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे जो एक तो गेमेट बनाएगा उस सेक्स का, दूसरा वो हार्मोन सीक्रेट करेगा जो उस जो जो भी ये मतलब जो है मेल हो या फीमेल हो तो उसके अंदर उसके सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर है उनको डेवलप करेगा। तो हम मेल की बात कर रहे हैं, और मेल की बात करें तो यहां पर जो ऑर्गन्स होगा जो मेल के अंदर होगा उसको हम कहेंगे टेस्टिस वर्षण। क्यों, क्योंकि वर्षण दोनों काम करता है। वर्षण जो है फर्स्ट कार्य तो करता है कि उस यानी मेल का जो है गेमेट बनाएगा जिसको हम कहते हैं स्पर्म, तो गेमेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा यहीं पर स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण होता है। और दूसरा काम करेगा कि इसी वर्षण के अंदर कुछ सेल्स होगी जो हार्मोन सीक्रेट करेगी जो सेक्स हार्मोन होंगे, और वो सेक्स हार्मोन जो नर की द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करेंगे, और उस हार्मोन को हम कह रहे हैं टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी सीक्रेट कौन करता है, टेस्टिस करता है, इसलिए हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत जो है वो वर्षण को रखते हैं। तो वर्षण तो हो गया प्राइमरी। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर कौन कौन सी जननांग आएंगे, तो देखो इसके अंदर जो है वो जितने भी एसेसरी डक्ट है नलिकाएं यानी सहायक नलिकाएं, जितनी भी
सहायक नलिकाएं जो है जो इस टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनेंगे उस स्पर्म को जो है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर पहुंचाने के पहले पूरी एक डक्ट सिस्टम होगा पूरा का पूरा, तो हम इसको डक्ट सिस्टम भी कहेंगे, जिसके द्वारा जो है वो स्पर्म जो है वो यूरेथ्रा तक आते हैं, तो सारा डक्ट सिस्टम इसी के अंतर्गत आएगा। दूसरा कुछ ग्लैंड्स होगी बीच में जो जनन में सहायक होगी, जो सीमन निर्माण में भी सहायक होगी, जो स्पर्म की मोटिलिटी के लिए भी सहायक होगी, उनसे जो सिक्रेट होने वाले जो पदार्थ वो इनकी मोबिलिटी को भी प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से कुछ ग्लैंड्स होंगी जो सिक्रेशन, इनका सिक्रेशन जो सीमन निर्माण या बीज निर्माण में काम आता है। और तीसरा जो है वो रहेगा एक्सटर्नल ग्रेविटी, बाह्य जनन जिसके अंदर पेनिस आता है, तो पेनिस भी इसी का ही पार्ट रहेगा। इस तरीके से हम जो है वो दो पार्ट में बांटते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी के अंदर मैंने कहा कि दो काम होने चाहिए कि एक तो उस सेक्स का गैमेट बनना चाहिए और दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर डेवलप करने के लिए हार्मोन सीक्रेट करना चाहिए। तो हमने कहा कि टेस्टिस अब जो नर के अंदर मेल मेल जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो स्पर्म भी बनाता है और टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन भी करता है। इसके अलावा कुछ डक्ट सिस्टम होंगे जो स्पर्म को जो है वो यूरेथ्रा तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके अलावा कुछ बीच में ग्लैंड्स भी आएगी जिनके सीक्रेशन जो है वो सीमन निर्माण में काम आएंगे, और पेनिस के रूप में पाया जाना होगा जो पॉपुलेशन के द्वारा सीमन को जो फीमेल जेनिटल ट्रैक या मादा जन जो जनन नलिका जिसको वजाइना कहते हैं, तो उसके अंदर जो है वो स्पर्म सीक्रेस मतलब इजेक्यूलेशन है उसमें मदद करेगा। तो ये दो प्रकार के ऑर्गन्स होंगे। अब यदि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको हम अगर एक डायग्राम के माध्यम से देखें तो देखो कौन कौन से ऑर्गन्स कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि प्राइमरी जो ऑर्गन्स होता है उसको हम कहते हैं टेस्टिस। तो ये टेस्टिस ये सिंगुलर होता है, दो है तो हम इसको कहेंगे टेस्टिस, ईएस। तो दो टेस्टिस जो है वो पाए जाते हैं। टेस्टिस जो हमारी उदरगुहा के बाहर एक थैलेमस संरचना के अंदर पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर ये मौजूद होंगे। और अगर मैं इस टेस्टिस के अंदर देखूं तो कौन कौन सी रक्त वाहिनी है, सॉरी कौन कौन सी जो है वो डक्ट सिस्टम होगा, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ये छोटी छोटी जो नलियां दिखा रही है इसके अंदर का पोर्शन जो हम बाद में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे तो ये छोटी छोटी नलियां जो दिख रही है जो यहाँ से स्पर्म को लेके आ रही है हम इनको कहेंगे वास इफ्रेंसिया। और ये वास इफ्रेंसिया आगे चल के एक कुंडलित नली में खुलती है जो एक बहुत ज्यादा कुंडलित हाईली कॉइल्ड जो एक नली होती है इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। ये इसको अधिवर्षण भी कहते हैं। ये अधिवर्षण हो गया, एक बहुत लंबी कुंडलित नली का है। फिर इसके बाद में यहां से अधिवर्षण जो है एक लंबी नली के रूप में बाहर खुलता है और यहाँ से यानी ये यहाँ से निकल के कहने वाला कि टेस्टिस के बाहर की डक्ट है ये, तो ये बाहर जो है वो फिर यहाँ से इंग्वाइनल केनाल जो है उस इंग्वाइनल केनाल के माध्यम से वापस उदरगुहा के अंदर आती है, इसको कहते हैं वास डिफरेंसिया। और ये वास डिफरेंसिया दोनों तरफ के जो टेस्टिस है उससे स्पर्म को लेके और उदरगुहा में आती है। उदरगुहा का जो निचला लोअर पार्ट जो कैविटी है जिसको हम पेल्विक ब्रिम भी कहते हैं, तो पेल्विक ब्रिम के अंदर आती है। पेल्विक ब्रिम में जो है हमारा यूरेटस जिसको मूत्राशय कह रहे हैं, इस मूत्राशय के ऊपर से जो है वो राउंड मारती हुई फिर आती है तो यहाँ पे आके और यहाँ दो थैलेनोमा संरचना में खुलती है जिसको एम्पुला ऑफ वास कहते हैं। तो ये दोनों ओर की जो वास डिफरेंसिया है वो आगे आके एम्पुला ऑफ वास में खुलती है और यहाँ एम्पुला ऑफ वास जो है इन दोनों के ही साथ में जो है वो एक जोड़ी ग्लैंड्स होती है जो एम्पुला वास में आके खुलती है, इसको सेमिनल वेसिकल कहेंगे। या शुक्राशय
इनके कार्य हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको शुक्राशय कहेंगे। अभी मैं आपको इतना बता दूं कि शुक्राशय के जो कुछ सिक्रेशंस है जो यहाँ पर स्पर्म के साथ आके मिलते हैं और स्पर्म के साथ मिलकर जो वो सीमन या वीर्य निर्माण में ये सहयोग करते हैं। फिर इसके बाद में दोनों ओर की एम्बुलोपास जो मिल जाती है और मिलकर एक नली के रूप में खुलती है। ये जो आगे की जो नली है यहाँ, इसके आगे की जो डक्ट दिख रही है आपको ये वाली, इसको इजेक्युलेटरी डक्ट या स्क्लेरल वाइनी कहते हैं। स्क्लेरल वाहिनी। और इसी स्क्लेरल वाहिनी के साथ में जब ये स्क्लेरल वाहिनी आगे आती है तो यहां जो है ये यूरेटस से आने वाली जो एक नली है जिसको मूत्र वाहिनी कह रहे हैं, तो जो मूत्र यूरेथ्रा है वो भी इसके साथ में आकर मिल जाती है। तो ध्यान रखना कि इजेक्युलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा जो मूत्र वाहिनी है वो दोनों मिलकर और यूरेथ्रोजेनिटियन डक्ट बनाते हैं। तो यहां से आगे का जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे यूरेथ्रोजेनिटियन डक्ट या मूत्र जनन वाहिनी। तो ये ध्यान रखना कि इजेक्युलेटरी डक्ट जो है वो आगे चल के और यूरेटर से आने वाली यूरेथ्रा के साथ में दोनों मिल जाती है, और जहां ये मिलती है वहां पर एक अनपेयर ग्लैंड दिखाई देती है ये वाली, जो दो लोब के रूप में लेकिन दोनों जुड़े हुए नहीं है। इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्रंथि। ये इसके ऊपर यानी यूरेथ्रोजेनिटियल डक्ट जो इसके ऊपर इस तरीके से, मान लो ये डक्ट है तो इसके ऊपर इस तरीके से एडजस्ट होती है, अनपेयर होती है। और फिर इसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़े तो यहाँ आपको एक पेयर ग्लैंड्स का और दिखाई देता है ये छोटा सा, जिनको काउपर्स ग्लैंड्स कहते हैं। काउपर की ग्रंथियां कहते हैं जो इस मार्ग को, क्योंकि आपको पता है कि इस मार्ग से यूरिन भी सिक्रेट होने वाला है, सिक्रेशन होने वाला है, और इसी से सीमन का भी सिक्रेशन होने वाला है। तो इससे जो है ये मार्ग जो यूरिन सिक्रेट होता है तो थोड़ा एसिडिक हो जाता है, तो उसकी एसिडिटी को थोड़ा कम करने के लिए जो कॉपर स्लेट जो होती है वो एक सिक्रेट सिग्नल स्रावित करती है, जिससे क्या होता है कि इसकी अम्लता दूर हो जाती है। तो ये कॉपर स्लेट होगी। और इसके आगे का पार्ट जो है इसको हम कहते हैं पेनिस। तो इस पेनिस या ये एक कोपुलेशन जो एक ऑर्गन है जो प्रजनन के दौरान जो है फीमेल जेनिटल जो फीमेल जेनिटल जो ट्रैक है उस ट्रैक के अंदर जो है इजेकुलेशन में मदद करता है, तो इसको हम पेनिस कह रहे हैं। इस पेनिस की अगर इस पेनिस की मैं यहाँ आपको कार्ड दिखाऊं तो इसके अंदर तीन कॉर्ड होती है। ऊपर की जो दो कॉर्ड है उनको कार्पोरा केवर्नोसा और नीचे की जो कॉर्ड है इसको कॉर्पस स्पॉन्जेसम कहते हैं। और ये जो यूरेथ्रा जो जेनिटल जो डक्ट है या जो मूत्र जनन नलिका है ये नलिका इस कॉर्पस स्पॉन्जेसम से होकर जो है वो यूरेथ्रोजेनिटल पोर के द्वारा जो है बाहर खुलती है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें दर्द ये कॉर्ड है जो मस्कुलर होती है और इसके अंदर जो रक्त कोट पाए जाते हैं, तो बेथुन के समय जो है इसमें ब्लड बढ़ता है, ब्लड बढ़ने से जो ये थोड़ा कठोर हो जाता है और उत्थापित हो जाता है, और उस दौरान जो है वो ये फीमेल जेनेटिक ट्रैक के अंदर जो वो जाकर और इजुकुलेशन के द्वारा स्पर्म को जो इजुकुलेशन करता है, स्पर्म का इजुकुलेशन या स्कलन करता है। तो ये प्रोसेस करने के लिए एक जो एक्सटर्नल जेनेटिक जो है पार्ट है ऑर्गन्स जो उसको हम पेनिस करें। तो ये एक जो फीमेल सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आने वाले जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से है। तो हम अब उनके बारे में जो है एक एक के बारे में एक एक का फंक्शन, इसकी स्ट्रक्चर, क्या क्या कार्य है, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो अपना जो अगला लेक्चर होगा उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसको हम टेस्टिस कहते हैं, तो टेस्टिस की पूरी संरचना और उसके जो 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 उनके अंदर डक्ट है और किस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है, तो उन सब के बारे में हम
डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है और अगर आप तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो है और अच्छे ढंग से, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स आएगा तो थोड़ी मेहनत करने की हिम्मत बढ़ती है, तो उससे जो मैं आपको और अच्छे ढंग से जो है कॉन्टेंट जो समझाने की कोशिश करूँगा और डिटेल से जो है नीट लेवल तक जो इसको आप बताने की कोशिश करूँगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।